हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे आगरा की फेमस मिठाई पेठा। पेठा बनाना बहुत ही आसान है, सिर्फ आप कुछ चीज़ों का ध्यान दें और आपका पेठा बिल्कुल बाजार जैसा बनेगा। बाहर अंदर से जितना जूसी बनेगा, बाहर से उतना ही ठीक कड़क रहेगा। इसकी आप आवाज़ सुने, देखिए कैसे कड़क है। बिल्कुल आज हमारा पेठा ऐसे ही बनकर तैयार होगा। तो चलिए पेठा बनाना शुरू करते हैं। मैंने लिया है एक वाइट कद्दू, बहुत से लोग इसे कुमड़ा भी बोलते हैं। पेठा बनाने के लिए यही यूज़ होता है। हमने इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अब हम इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर देंगे। आप अपने पसंद के छोटे बड़े पीसेस कट कर सकते हैं, लेकिन मैं छोटे छोटे पीसेस कट करूँगी। जैसे बाज़ार में छोटे छोटे पीसेस के पेठे मिलते हैं, मैं वैसे ही पीस कट कर रही हूँ। हमने अपने सारे कद्दू को छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। अब इसके ऊपर का जो सॉफ्ट पार्ट है, ये देखिए, इसके ऊपर का जो सॉफ्ट पार्ट है, बीज वाला, हम इसे निकाल देंगे और इसके छिलके भी निकाल देंगे। इसी तरह हम अपने सारे पीसेस में से छिलके और ऊपर का सॉफ्ट पार्ट दोनों निकाल देंगे। ये देखिए, मैंने अपने सारे कद्दू में से छिलके और बीज का जो सॉफ्ट पार्ट था सब निकाल दिया है। 2 किलो कद्दू का वज़न था, छिलके और बीज निकालने के बाद 1 किलो ही बचा है। अब सबसे मेन स्टेप, आप एक कांटे वाला चम्मच लें और अपने कद्दू के पीसेस को चारों तरफ से अच्छे से इसमें इंसर्ट करें। आप जितना ज़्यादा इसमें इंसर्ट करेंगे, डीप करेंगे, चाशनी उतनी ही ज़्यादा ऑब्जर्व होगी। इसी तरह हम अपने सारे पीसेस में फॉर्क की मदद से अच्छे से डीप करेंगे। ये देखिए, हमने अपने सारे पीसेस में कांटे की मदद से इसमें छेद कर दिया है। अब सेकेंड स्टेप, हम एक स्टील का बर्तन लेंगे, इसमें पानी डालेंगे और इसमें 1 टेबल स्पून चूना डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे और अपने पीसेस को इसमें डाल देंगे। ओवरनाइट तक इसे भिगो देंगे। आप ये स्टेप ज़रूर फॉलो करें। इसे करने पर पेठे में जो कद्दू का फ्लेवर आता है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो चलिए, इसमें हम अपने सारे पीसेस को डाल देंगे और ओवरनाइट के लिए भिगो कर रख देंगे। ये देखिए, हमने इसे ओवरनाइट भिगो कर रख दिया था। अब हम इसे साफ़ पानी में डालकर अच्छे से धुल लेंगे ताकि इसमें जो चूने का टेस्ट आया है वो सब निकल जाए। हम इसे 2-3 पानी अच्छे से धुल लेंगे। चूने में भिगोने से ये देखिए कितना वाइट हो गया है और इसमें से कद्दू का फ्लेवर भी निकल गया है। हमने इसे अच्छे से धुल लिया है। अब हम एक पतीले में पानी रखेंगे और इसे बॉईल होने देंगे। ये देखिए, इसमें उबाल आने लगा है। अब हम इसमें अपने कद्दू के पीसेस डाल देंगे और 10 मिनट के लिए इसे हाई फ्लेम पर उबलने देंगे। तो चलिए, हम इसे ढक देते हैं और इसे 10 मिनट तक उबलने देंगे। ये देखिए, 10 मिनट हो गया है, हमारा कद्दू भी कुछ पक गया है, कुछ सॉफ्ट हो गया है और कुछ ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए, हमारे कद्दू के पीसेस कैसे ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। अब इसमें जो ऑब्ज़र्व किया हुआ पानी है उसे हम ज़रूर निकालेंगे, क्योंकि अगर हम उसमें ऑब्ज़र्व किया हुआ पानी नहीं निकालेंगे तो चाशनी अच्छे से इसमें ऑब्ज़र्व नहीं होती है। इसी तरह हम अपने सारे पानी निकाल लेंगे इस पीसेस में से। ये देखिए, हमने अपने सारे कद्दू के पीसेस में से पानी निकाल लिया है। अब हम अपनी कढ़ाई चढ़ा देंगे और इसमें डालेंगे कद्दू के पीसेस और इसमें डालेंगे 1 किलो चीनी। इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे हम अच्छे से चलाकर मिक्स कर देंगे, वरना नीचे से ये लगने लगेगा। हमने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है। ये देखिए, हमारी चीनी गल गई है। अब हम इसे एक तार आने तक इसे पकाते रहेंगे। गैस का फ्लेम हाई कर दें और हाई फ्लेम पर इसे पकने दें। जब तक ये एक तार नहीं आता, तब तक हम इसे पकाते रहेंगे। ये देखिए, एक तार आ गया है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे।
मैंने ये आटा छीलने ली है। आप कोई भी एक जालीदार स्टैंड ले लें, एक कटोरी के ऊपर वो स्टैंड रख दें और उसमें अपने सारे पेठे निकाल लें, ताकि हमारे जो इसमें एक्स्ट्रा पेठों में जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो सब निकल जाए। ये देखिए, हम अपने सारे पेठे को इसमें निकाल लेंगे। ये देखिए, हमने अपने सारे पेठे निकाल लिए हैं। अब इसमें जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो सब नीचे निकल जाएगी। इसे हम ऐसे ही हवा लगने देंगे एक दिन के लिए, इसे ऐसे छोड़ दें। ये देखिए, एक दिन हो गया है और हमारा पेठा अभी भी सॉफ्ट है। तो चलिए अब हम इसे टाइट करते हैं। मैंने ली है अपनी वही बची हुई चाशनी। हम इसे फिर उबालेंगे और इसे दो तार आने तक पकाएंगे। ये वही चाशनी है जिसमें से हमने पेठे निकाले थे। अब हम इसे 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाएंगे। ये देखिए, 5 मिनट हो गया है, इसमें दो तार आने लगा है। अब हम इसमें अपने पेठे डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे चलाते रहेंगे। जब तक ये छोड़ ना दे तब तक हम गैस का फ्लेम बंद नहीं अब हम गैस करेंगे। का फ्लेम गैस बंद का कर फ्लेम देंगे लो और रखे हैं और हमारे इसे ऐसे पेठे सब चलाते अलग हो रहें। गए हैं। तो चलिए अब हम इसे फिर अपने वही स्टैंड में निकाल लेंगे और इसे हवा लगने देंगे। अभी ये नरम है, लेकिन हवा लगने के बाद ये एकदम टाइट हो जाएगा, बिल्कुल बाजार जैसा बनेगा। देखिए, 2 घंटा हो गया है और हमारा पेठा बनकर बिल्कुल तैयार है। सिर्फ दो चीज़ों से बना है ये पेठा, चीनी और कद्दू, और कोई भी इंग्रेडिएंट्स नहीं लगा है इसमें। देखिए अंदर से कितना जूसी है और बाहर से उतना ही टाइट है। मैं आपको गिरा के दिखाती हूँ। ये देखिए, इसकी आवाज़ सुनिए कैसे टाइट है। आप सुन सकते हैं कितना कड़क है बाहर से और अंदर से उतना ही जूसी है। आप एक बार मेरे तरीके से ये रेसिपी बनाएं, ये पेठा बनाएं, बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट आएगा और बनेगा भी बाज़ार जैसा। आप एक बार में ही आपका ये पेठा एकदम परफेक्ट बनेगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के